Hello friends, my name is Sivin Pandey. Today I welcome you in my channel Galaxy Candid Education. Today we are going to learn about the democracy. So before starting this topic, I remind you please subscribe my channel and click the bell icon to get more updates. So friends, democracy hota kya hai? Democracy ko hum log Hindi mein kahenge loktantra. It is a form of government in which rulers are elected by the people. ये ऐसा फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो राजा होते हैं, जो रूलर होते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसका फीचर्स होता है कि वन पर्सन वन वोट वन वॉल्यूम। जैसे कि हम लोग डेमोक्रेसी में राजा को इलेक्ट करते हैं, रूलर को इलेक्ट करते हैं वोट देके, तो उसमें एक आदमी सिर्फ एक वोट कर सकता है और जिसकी वॉल्यूम सिर्फ एक हो। ये पहला फीचर्स होता है डेमोक्रेसी का। दूसरा फीचर होता है In democracy, the final decision-making power must rest with those who are elected by the peoples. Democracy में राजा चुनने का हक सिर्फ जनता को होता है, तो जनता ही अपना ruler choose कर सकती है। Democracy के लाभ क्या होते हैं? Democracy में अगर एक बार आप decision दे दें, तो हम लोग अपने decision पे सुधार कर सकते हैं। अगर गलती हो गई तो सुधार कर सकते हैं। जहां अगर मान लीजिए हम लोग का जो भारत है, अगर वो राजा के शासन होता, राजतंत्र में होता, राजतंत्र में जैसे कि राजा का हुकूमत होता, तो उसको फेयर डिसीजन नहीं होता, किसी को एक सिर्फ एक व्यक्ति को चांस मिलता हम पे रूल करने का। डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, और उसे उसके कर्मों के बलबूते पे हम उसे राजा बना सकते हैं, अपना रूलर बना सकते हैं। तो आज हम डेमोक्रेसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो रूलर्स होते हैं, जो हमारे शासक होते हैं, वो इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडिया। इंडिया भी हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें जो हम लोग के शासक होते हैं, हम लोग जनता लोग ही उन्हें चुनते हैं वोट दे के, जिन्हें काबिल समझते हैं उन्हें अपना शासक बनाते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है डेमोक्रेसी का, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है, उसे रेस्ट करना चाहिए जो जनता के द्वारा चुना जाता है। मतलब कि जनता ही चुन सकती है अपने राजा को, इसका ये अर्थ निकलता है। जनता ही पास राइट है, उनके पास राइट्स है कि वो चूज कर सकते हैं अपने रूलर्स को, अपने शासक को चूज कर सकते हैं, और उन्हीं का आखिरी हुक्म होगा। मतलब इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट, जो डिक्लेयर करता है डेमोक्रेसी में इलेक्शन हो रहा है, उसे रेस्ट करना चाहिए, उसे कुछ नहीं करना चाहिए। जनता ही अपना चूज कर सकती है कौन है उसका शासक। अगला पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट है ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज हु आर करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी हमेशा फ्री और फेयर इलेक्शन में होना चाहिए, नहीं कि कोई घूस दे के कर लिया, कोई ये दे के कुछ दे के करवाना, वो नहीं है, उचित नहीं है। तो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज हु आर करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो लोग पावर में है, प्रेजेंट टाइम में जो लोग भी पावर में है, उनके पास एक चांस होता है लूज करने का, मतलब हारने का एक चांस होता है। अगर वो अच्छा काम नहीं किया, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनका चांस रहेगा, उनका वो फिर जीत सकते हैं। तो आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा पॉइंट है इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव अ वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव अ वॉल्यूम वन। डेमोक्रेसी में एडल्ट सिटीजन मतलब जैसे हमारे इंडिया में रूल है कि 18 ईयर अबव कोई वोट करना है, वैसे ही इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव अ वन वॉल्यूम। एक पर्सन सिर्फ एक वोट दे सकता, उसकी वॉल्यूम भी एक ही होती है। तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन में जाएगा, फ्री और फेयर डेमोक्रेटिक होगा, फ्री और फेयर डेमोक्रेटिक्स में भी जाएगा, फ्री और फेयर सिलेक्शन कमीशन में भी जाएगा। ये सब रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ पॉइंट है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन अ लिमिट सेट बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट चूज़ की जाती है पीपल्स के द्वारा, उनका एक लिमिट होता है, कब तक वो रूल करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और सिटीजन राइट्स के हिसाब से। तो आइए हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आखिरी पॉइंट है डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी सभी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स के
से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अलाउड करता है कि इससे जो गलतियां हो गई हों वो अपने गलतियों को करेक्ट कर सकता है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउड्स अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल गैलेक्सी कैंडिडेट एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।